तो कैसे आप सब लोग, आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था अपने नर्वस सिस्टम के एक बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट को, और स्पेशली हम लोगों ने बात की थी अपने न्यूरॉन्स के बारे में। तो हम लोगों ने देखा कि न्यूरॉन जो है हमारी एक थोड़ी सी स्पेशल टाइप की सेल होती है, जिसके अंदर यहाँ पर नर्व इम्पल्स को जनरेट, कंडक्ट और ट्रांसमिट करने की प्रॉपर्टी होती है। अब देखो, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्पेशली अपने इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी और एक्शन पोटेंशियल ऑफ न्यूरॉन्स के बारे में, और एट लास्ट में हम लोग देखेंगे अपने न्यूरॉन्स या फिर कह सकते हो नर्व फाइबर्स की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज को। अब देखो, आज की वीडियो में हम लोग स्पेशली बात करेंगे कि जो हमारा न्यूरॉन्स है वो यहाँ पे नर्व इम्पल्स को जनरेट कैसे करता है, यानी कि न्यूरॉन्स में कैसे यहाँ पे नर्व इम्पल्स का जनरेशन होता है। अब देखो, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हमारा एक स्टिमुलस होता है जो कि आता है, जिसकी वजह से नर्व इम्पल्स जनरेट होता है, लेकिन उसके अंदर भी आज हम लोग बहुत डीप में जाएंगे कि एक्चुअल में कैसे जनरेट होता है, मतलब स्टिमुलस ऐसा क्या करता है जिसकी वजह से नर्व इम्पल्स का जनरेशन होता है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आप लोग को बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि आज के लेक्चर में कंसेप्चुअल पॉइंट्स बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। और देखो, एक मेरा पर्सनल सजेशन है कि अगर आप लोग को जो है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन वाला टॉपिक बिल्कुल भी नहीं आता है, और अगर आप आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझना चाहते हो, तो इस लेक्चर को आप लोग यहाँ पे जो है देख लेना। ठीक है, हम लोगों ने इसका वीडियो फर्स्ट सेमेस्टर में अपलोड किया हुआ है, बाकी अगर आप लोगों को पता है तो थोड़ा बहुत हम लोग इसको आज के वीडियो में भी एक्सप्लेन कर देंगे। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, बात करें हम लोग यहाँ पे अपने इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी के बारे में। तो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी क्या है? देखो, हमें जैसा कि पता है, न्यूरॉन्स इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल फाउंड इन अवर नर्वस सिस्टम विच इज एबल टू जनरेट, कैरी एंड ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स। यानी कि जो हमारी न्यूरॉन है वो थोड़ी सी एक स्पेशल टाइप की सेल होती है, जिसमें यहाँ पे क्या होता है, नर्व इम्पल्स का जनरेशन भी होता है और कैरी भी करती है और ट्रांसमिट भी करती है। अब इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी क्या है? इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूरॉन्स। यहाँ पे देखो, एक चीज़ समझना, जो हमारा नर्व इम्पल्स है इसको हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो, ये जो नर्व इम्पल्स है ये इलेक्ट्रिसिटी का ही एक फॉर्म होता है। देखो, ये सारी चीज़ें हम लोग अपने वीडियो के आने वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जो हमारा इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी है इसमें हम लोग बेसिकली करते क्या है, हम लोग इसमें ये पढ़ते हैं कि हाउ नर्व इम्पल्स जनरेटेड, यानी कि न्यूरॉन्स के अंदर नर्व इम्पल्स का जनरेशन कैसे होता है, हाउ स्टिमुलस चेंज्ड मेम्ब्रेन आयन कंसेंट्रेशन। यहाँ पे देखो, मेम्ब्रेन आयन कंसेंट्रेशन का क्या मतलब है? देखो, जो हमारी न्यूरॉन है वो एक टाइप की सेल ही है, और सेल के पास होती है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन जो हमारी न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है उसके पास जो है डिफरेंट टाइप के आयन के कंसेंट्रेशन में कैसे चेंज होता है, देखो यही सारी चीज़ें आज की वीडियो में हमें पढ़नी है, तो काफ़ी डिटेल में बात करेंगे, बाकी अभी आप लोग सिंपली समझो। ठीक है, एंड हाउ स्टिमुलस कन्वर्टेड इंटू नर्व इम्पल्स, यानी कि हमें पता है कि जो हमारा स्टिमुलस है यही हमारा नर्व इम्पल्स के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। अब देखो, अगर आपको नहीं पता ये सारी चीज़ें तो आप लोग पिछला लेक्चर पहले देख लेना, उसको देखे बिना वैसे भी आज का लेक्चर मत देखना, क्योंकि आगे आपको कुछ चीज़ें समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। अब यहाँ पे देखो, हम लोग बात करते हैं अपने एक्शन पोटेंशियल के बारे में। अब देखो, एक्शन पोटेंशियल क्या है? देखो, यहाँ पे जो हमारी इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी है ना, इसके अंदर बेसिकली हम लोग एक्शन पोटेंशियल को ही पढ़ते हैं। अब एक्शन पोटेंशियल क्या होता है? देखो, इसके बारे में बात करने से पहले हमें थोड़ा सा कुछ चीज़ें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखो, यहाँ पे जो हमारी सेल होती है, तो आपको पता है जो हमारी नॉर्मल सेल है वो हमारी कुछ इस टाइप की होती है, जहाँ पे हमारा स्फेरिकल सा शेप होता है, उसके अंदर हमारा न्यूक्लियस होता है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। अब देखो, यहाँ पे जो हमारा न्यूरॉन है, ठीक है, देखो ये हमारी एक टाइप की सेल ही है ना। देखो, भले थोड़ी सी शेप में जो है डिफरेंट टाइप की होती है, लेकिन है तो सेल ही। तो जैसे हमारी नॉर्मल सेल के पास यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन होती है, वैसे हमारे न्यूरॉन्स के पास भी सेल मेम्ब्रेन होती है। देखो, यहाँ पे ये जो न्यूरॉन्स का जो बाहर वाला पार्ट होता है, ये चाहे ये वाला पार्ट हो, ठीक है, चाहे ये वाला पार्ट हो, चाहे एक्जॉन का बाहर वाला पार्ट हो, ये सारा हमारा सेल मेम्ब्रेन ही होता है, समझ रहे हो? देखो, एक चीज़ समझो, न्यूरॉन हमारी है एक टाइप की सेल ही, ठीक है, भले इसका शेप थोड़ा सा चेंज है, लेकिन जो प्रॉपर्टी हमारी सेल के अंदर होती हैं, जितनी चीज़ें हमारी कोई भी सेल परफॉर्म करती है, वो सारी चीज़ें हमारी न्यूरॉन्स भी परफॉर्म करेगी। अब यहाँ पे देखो, कुछ चीज़ें आप लोग समझना, जो हमारा सेल का मेम्ब्रेन होता है ना, तो यहाँ पे अगर हम लोग इस मेम्ब्रेन को थोड़ा सा जो है अपने एक स्क्वायर शेप से बनाए, ठीक है, देखो जैसे ये हमारी सेल है, तो इस मेम्ब्रेन को हम लोग जो है थोड़ा इस तरीके से बनाते हैं। देखो, ये हो गई हमारी सेल मेम्ब्रेन। अब देखो, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि सेल का जो अंदर वाला पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रा सेलुलर स्पेस, इंट्रा सेलुलर है ना, और बाहर वाले को क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर यानी कि बाहर वाला, और इंट्रा मतलब अंदर वाला। तो यहाँ पे देखो, हम लोग कुछ इस तरीके से बनाते हैं कि ये हो गया हमारा यहाँ पे इंट्रा सेलुलर, ठीक है, इंट्रा सेलुलर, और ये हो गया हमारे यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर। अब यहाँ पे देखो, थोड़ा सा आप लोग समझना कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है,
तो जो हमारा इंट्रा सेलुलर स्पेस होता है यानी सेल के अंदर, तो वहाँ पे हमारे जो आयन्स होते हैं तो उनमें यहाँ पे निगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा होते हैं। यानी कि आप ऐसा कह सकते हो कि जो हमारा इंट्रा सेलुलर स्पेस होता है उसमें हमारे एनायंस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, यानी कि टोटल जो है हमारा निगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है। और जो हमारा सेल का बाहर वाला स्पेस होता है वहाँ हमारा जो है पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटायंस, यानी कि आप कह सकते हो कैटायंस ज़्यादा होते हैं। तो देखो ये सारी चीज़ें हमारी न्यूरॉन, जो हमारा न्यूरॉन है उसके अंदर भी होती है, यानी न्यूरॉन के अंदर भी हमारा जो है सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है निगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है, ठीक है, निगेटिव चार्ज, और जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो हमारा आउटसाइड ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर देखो ये हमारी किसी भी सेल का एक नॉर्मल आयन कंसेंट्रेशन होता है, यानी अगर कोई सेल हमारी नॉर्मल स्टेट में है, यानी अगर उसमें कोई भी छेड़छाड़ वगैरह नहीं हुई है, तो सेल के अंदर हमारा जो है निगेटिव चार्ज ज़्यादा होंगे और सेल के बाहर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होंगे। अब यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, देखो इसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ के समझते हैं। एन एक्शन पोटेंशियल इज द पोटेंशियल डिफरेंस जनरेटेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन ड्यू टू डिसबैलेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज विच अल्टीमेटली गिव राइज टू जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स। देखो इस लाइन को अगर आप लोग समझ गए तो काफ़ी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहा है, एन एक्शन पोटेंशियल इज द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि ये एक टाइप का पोटेंशियल डिफरेंस होता है जनरेटेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन, यानी कि देखो ये हमारी जो हमारी न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये वाली मेम्ब्रेन, तो यहाँ पे इसके अक्रॉस यानी कि इसके आसपास जो है जनरेट होता है, और जनरेट कैसे होता है, ड्यू टू यानी किसकी वजह से, डिसबैलेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। यानी कि देखो हमें पता है कि जो नॉर्मल स्टेट है उसमें हमारा पॉजिटिव ज़्यादा होगा, ठीक है, बाहर में, और निगेटिव ज़्यादा होगा अंदर में। अब अगर मान लो यहाँ पे कुछ डिसबैलेंस हो जाए, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें हो जाए जिसकी वजह से जो हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है इसके अंदर डिसबैलेंस हो जाए, यानी कि कुछ ऐसा हो जाए कि हमारा पॉजिटिव जो है अंदर ज़्यादा हो जाए और नेगेटिव बाहर ज़्यादा हो जाए, कुछ इस टाइप का अगर माहौल हुआ तो हमारा क्या होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा जिसकी वजह से क्या होगा, अल्टीमेटली हमारा जो है नर्व इम्पल्स का फॉर्मेशन चालू हो जाएगा, यानी नर्व इम्पल्स का जनरेशन चालू होगा। तो आज की वीडियो में हमें यही सारी चीज़ें देखनी है कि कैसे हमारा जो यहाँ पे माइनस और प्लस चार्ज है इनके बीच में यहाँ पे क्या होता है, डिसबैलेंस आता है, ठीक है, और कैसे यहाँ पे इस डिसबैलेंस की वजह से हमारा जो है नर्व इम्पल्स का जनरेशन होता है। अब देखो एक चीज़ आप लोग जो है सिंपली समझो, ये डिसबैलेंस हमारा बेसिकली जो है हमारे स्टिमुलस के आने की वजह से होता है। देखो कोई भी स्टिमुलस क्या होता है, स्टिमुलस यानी हमारी बॉडी में जब भी कोई चेंज होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, ये स्टिमुलस डायरेक्टली हमारे माइनस और प्लस चार्ज की कंसेंट्रेशन को ही डिसबैलेंस कर देता है, और उसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होता है, नर्व इम्पल्स का जनरेशन होता है। लेकिन अब ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं उसके बारे में काफ़ी डिटेल में आज हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर देखो अगर हम लोग बात करें अपने एक्शन पोटेंशियल के बारे में, तो जो हमारा एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन होता है, यानी कि आप कह सकते हो कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का जनरेशन होता है, तो वहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, यानी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से यहाँ पे चार्ज का डिसबैलेंस होता है। तो वो सारी चीज़ों में हमारे जो बेसिकली जो चार मेजर इवेंट होते हैं उन्हीं चारों को हमें काफ़ी अच्छे से समझना है, और यही चारों अगर हम लोग समझ गए तो हमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो देखो यहाँ पे जो पहला इवेंट होता है वो होता है पोलराइजेशन, ठीक है, फिर होता है हमारे यहाँ पे डीपोलराइजेशन, फिर होता है रीपोलराइजेशन, और एट लास्ट में होता है हमारे यहाँ पे हाइपर पोलराइजेशन। अब देखो यहाँ पे ये सारी चीज़ें समझने के लिए आप लोग को ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन वाला टॉपिक बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो देखो अगर आप लोग को पता है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब अगर नहीं पता डिटेल में जानना चाहते हो तो आप लोग जो है ये वाला लेक्चर देख लेना जिसको हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में ऑलरेडी कवर कर दिया है। और अगर आप लोग थोड़ा सा पता है, ठीक है, और रिकॉल करना चाहते हो, या फिर नहीं भी पता है और नहीं देखना चाहते हो, थोड़ा जल्दी जल्दी समझना चाहते हो, तो हम लोग थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। देखो ये होती है हमारी सेल, चलो हमें पता है, और ये होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन। अब देखो जो हमारी सेल है ना, तो इसको यहाँ पे कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, जिनकी यहाँ पे ज़रूरत होती है। अब जैसे सेल के अंदर बहुत सारी एक्टिविटी होती है, प्रोटीन फॉर्मेशन, और इसको भी अपने डेली एक्टिविटी करने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सेल को यहाँ पे अपने अंदर से बाहर निकालना होता है, ठीक है, यानी कि कुछ चीज़ें सेल को चाहिए होती हैं और कुछ चीज़ें सेल को अपने अंदर से बाहर भेजनी होती हैं। अब देखो हमारे कुछ सब्सटेंस तो ऐसे होते हैं जो कि बहुत साइज में छोटे होते हैं, तो वो डायरेक्टली यहाँ पे अंदर चले भी आते हैं और डायरेक्टली यहाँ पे बाहर भी चले जाते हैं, है ना, इनके आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन कुछ सब्सटेंस हमारे क्या होते हैं, साइज में बहुत बड़े होते हैं, या फिर कुछ हमारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हमारा ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये अलाउ नहीं करता है, ठीक है, यानी उनके लिए हमारा ये परमिएबल नहीं होता है। तो अब ऐसी चीज़ों, अब मान लो अगर कोई ऐसी भी चीज़ है जो कि साइज में बड़ी है और जिसको सेल मेम्ब्रेन अपने अंदर नहीं आने दे रही है, बट सेल को उसकी ज़रूरत है, तब सेल क्या करेगी, तो देखो तब होता है सेल के पास यहाँ पे प्रोटीन चैनल्स, ठीक है, प्रोटीन चैनल्स होते हैं, या फिर आप लोग उसको मेम्ब्रेन चैनल्स बोल सकते हो, है ना,
या फिर आयन चैनल्स बोल सकते हो, इनका बहुत सारे नाम है, कुछ भी आप लोग बोल सकते हो। बेसिकली होता क्या है, ये प्रोटीन्स के बने होते हैं। तो यहाँ पर ये चैनल्स हमारे यहाँ पर क्या करते हैं, इन चैनल्स के अंदर बेसिकली आप लोग ऐसे समझो कि ये चैनल अगर हम लोग थोड़ा सा डिटेल में बनाएं तो हमारा कुछ इस टाइप के होते हैं, ठीक है, कुछ इस टाइप के। और इनके अंदर से क्या होता है कि इनके अंदर प्रॉपर्टी होती है कि यहाँ पे इनके थ्रू हमारे जो भी ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि सेल में डायरेक्टली एंटर नहीं कर पाते, देखो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे इसी मेम्ब्रेन में होते हैं, ठीक है। देखो ये इस टाइप से होते हैं ना, इस टाइप से। अब इसको हम लोगों ने यहाँ पे, ये मेम्ब्रेन ही तो है, देखो ये स्ट्रेट मेम्ब्रेन है, ओके। तो मेम्ब्रेन में हमारे बहुत सारे ऐसे चैनल्स प्रेजेंट होते हैं जिनके थ्रू हमारे ऐसे सब्सटेंस जो कि डायरेक्टली नहीं आ जा सकते, इन चैनल्स के थ्रू हमारे चले भी आते हैं और इन्हीं चैनल्स के थ्रू हमारे सेल के बाहर भी निकल जाते हैं। अब देखो ये जो चैनल है ना, ये भी थोड़ा दो तीन टाइप के होते हैं, ठीक है, दो तीन टाइप के होते हैं। जैसे कि एक होता है हमारा यहाँ पे लीकेज चैनल। क्या होता है लीकेज चैनल? देखो ये सारी चीज़ें अभी हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उसमें यूज होने वाली हैं, तो आप लोग को पता होना चाहिए। तो देखो एक होते हैं हमारे यहाँ पे लीकेज चैनल। अब लीकेज चैनल, जैसा कि इनका नाम ही है लीकेज, तो इनके अंदर क्या होता है, देखो इनके अंदर जो है हमारे आयन्स का ट्रांसफ़र चला करता है, यानी इनके अंदर क्या होता है कि जो हमारे सब्सटेंस है वो नॉर्मली चले आते हैं और चले जाते हैं, और ये हमारा चला करता है। इनको यहाँ पे किसी भी टाइप की, यहाँ पे कह सकते हो कि एनर्जी वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है, ये अपने आप चला करते हैं और ये हमेशा चला करते हैं। देखो यहाँ पे इसको समझना कि ये हमेशा ओपन रहते हैं, यानी इनके अंदर से आयन्स का लीकेज जो है हुआ करता है, इनके अंदर कभी भी आयन्स का ट्रांसफ़र बंद नहीं होता है, ठीक है, यानी कि आयन्स अंदर भी आते हैं जब बाहर भी जाते हैं। अब जैसे जिसकी ज़रूरत होती है, जिसकी ज़रूरत अंदर होती है वो अंदर आता है, जिसकी बाहर होती है वो बाहर चला जाता है। तो एक हो गए हमारे यहाँ पे लीकेज चैनल। अब दूसरा हमारा टाइप होता है वोल्टेज गेटेड चैनल। देखो वोल्टेज गेटेड चैनल। अब वोल्टेज गेटेड चैनल क्या करते हैं, देखो जैसा इनका नाम है वोल्टेज, यानी कि देखो ये क्या है ना, ये नॉर्मली बंद रहते हैं, और जब ये बंद रहते हैं तो हम लोग इसको जो है इस तरीके से दिखाते हैं, जैसे हम लोगों ने चैनल बनाया और इसके ऊपर जो है कैप लगा देते हैं। इस कैप का मतलब है कि चैनल बंद है। तो नॉर्मली ये बंद रहते हैं, यानी नॉर्मल कंडीशन में ये ओपन नहीं होते हैं। ये ओपन कब होते हैं, जब एक स्पेशल वोल्टेज यहाँ पे इनको मिलता है, यानी कि ये जो है एक स्पेशल वोल्टेज में ही ओपन होते हैं, बाकी नॉर्मली ये चैनल्स क्या होते हैं, बंद रहते हैं। अब तीसरा होता है हमारा यहाँ पे एटीपेज पंप। एटीपेज पंप तो ये क्या करता है, देखो यहाँ पे जो हमारा ये वाला चैनल होता है, बेसिकली ये भी ओपन रहता है, लेकिन यहाँ पे ये जो है एनर्जी को कंज्यूम करता है, यानी कि अगर ये हमारा कोई भी आयन को अंदर ले रहा है या फिर किसी भी सब्सटेंस को बाहर भेज रहा है, तो इसको यहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और जैसा कि हमें पता है कि हमारी बॉडी में एनर्जी का मेजर सोर्स क्या होता है, एटीपी, तो यहाँ पे बेसिकली ये एटीपी को यूज करता है और जो है हमारे सब्सटेंस या फिर आयन्स का ट्रांसफ़र करता है। अब देखो यहाँ पे ये इस वाले ट्रांसफ़र को हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, ठीक है, और जो हमारा नॉर्मली होता है उसको हम लोग यहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। अब ये सारी चीज़ें अगर आप लोगों ने ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन वाला टॉपिक पढ़ा है तो पता होंगे, नहीं भी पता है तो सिंपली इतना तो समझ ही गया कि एक होता है लीकेज जो कि नॉर्मली चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, एक होता है वोल्टेज जो कि एक स्पेशल वोल्टेज पे चलेगा, और एक होता है एटीपीज पंप जो कि चलता तो ये भी है लेकिन ये यहाँ पे एनर्जी को कंज्यूम करता है, यानी एटीपी को कंज्यूम करता है। तो ये तीन स्पेशल टाइप के चैनल होते हैं और इन तीनों का आज के लेक्चर में बहुत ज़्यादा रोल है। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे फाइनली अपने इन सारे टॉपिक्स को थोड़ा सा डिटेल में जो है देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने पोलराइजेशन की। अब ये क्या होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज रेस्टिंग स्टेज, यानी कि देखो ये क्या होता है, ये हमारे न्यूरॉन्स का रेस्टिंग स्टेज है। एट दिस स्टेज नो स्टिमुलस कम्स, हेंस नो एनी एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड, यानी कि यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे हमारा जो न्यूरॉन है ये बिल्कुल रेस्टिंग स्टेज पे है, कोई भी एक्शन पोटेंशियल नहीं जनरेट हुआ है, ना तो कोई स्टिमुलस आया है, ना तो कोई नर्व इंपल्स का कंडक्शन हुआ है, यानी यहाँ पे हमारा न्यूरॉन्स जो है बिल्कुल मस्त है। अब देखो जो हमारा न्यूरॉन है जब वो यहाँ पे रेस्टिंग स्टेज पे होता है, तो जो हमारी न्यूरॉन की मेम्ब्रेन होती है उसके आसपास का माहौल कैसा होता है, हम लोग को उसी चीज़ को समझना है। देखो इस चीज़ को अगर आप लोग समझ गए ना, तो आगे जो हमारा डीपोलराइजेशन है, रीपोलराइजेशन है, हाइपर पोलराइजेशन है, ये सारी चीज़ें आप लोग को बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा न्यूरॉन है अगर वो रेस्टिंग स्टेज पे है तो इसके मेम्ब्रेन में यहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो देखो ये हमारा न्यूरॉन है और यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, इस मेम्ब्रेन को उठा के जो है इस तरीके से बना लिया। देखो ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये हमारा यही मेम्ब्रेन है, हम लोगों ने इसको थोड़ा सा उठा के डिटेल में डाल दिया, ठीक है। अब जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जो हमारी कोई भी सेल मेम्ब्रेन होती है तो वहाँ पे दो तीन टाइप के चैनल होते हैं। तो यहाँ पे देखो तीन चैनल आप लोग को दिख रहे हैं, ये वाला कौन सा है हमारा, ये वाला है लीकेज, ठीक है, लीकेज चैनल, ओके। ये वाला हमारा कौन सा है, वोल्टेज गेटेड, ठीक है, वोल्टेज गेटेड। और ये वाला हमारा क्या है, ये वाला है हमारा यहाँ पे एटीपेज पंप, एटीपेज पंप,
एटीपीएज पंप। अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें आप लोग समझना। देखो हम लोगों ने बात किया था कि जब भी हमारा कोई सेल है वो रेस्टिंग स्टेज पे होता है, यानी कि उसके अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम वगैरह नहीं है, तो नॉर्मली हमारे सेल के इंट्रा सेलुलर स्पेस में कौन से आयन ज़्यादा होते हैं? निगेटिव चार्ज ज़्यादा होते हैं, ठीक है, यानी हमारे एनायन ज़्यादा होते हैं, है ना। निगेटिव हमारा ज़्यादा होता है और पॉजिटिव हमारा क्या होता है? बाहर साइड ज़्यादा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ समझना कि जो हमारा सेल है, ठीक है, तो उसके अंदर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, तो यहाँ पे इसका जो पोटेंशियल है वो कितना होता है? पोटेंशियल होता है इसका यहाँ पे -70 mV। कितना होता है? -70 mV। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे और समझना, देखो हमारी कोई भी जो सेल होती है ना, तो उसमें अगर हम लोग नॉर्मली बात करें तो जो हमारा सेल का इंट्रासेलुलर स्पेस है वहाँ पे हमारे जो के प्लस आयंस होते हैं, यानी कि के प्लस हमारा क्या होता है? पोटेशियम, ठीक है। तो जो हमारा सेल का इंट्रा सेलुलर स्पेस है उसमें हमारा पोटेशियम आयन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी के प्लस आयन की जो कंसेंट्रेशन है वो हमारे सेल के इंट्रा सेलुलर स्पेस में बहुत ज़्यादा होती है। और जो हमारा सोडियम आयन्स है, यानी कि एन ए प्लस, ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारे सेल के एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में बहुत ज़्यादा होते हैं। देखो अगर आप लोगों ने मेम्ब्रेन वाला टॉपिक पढ़ा हुआ है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, तो ये सारी चीज़ें आप लोग को मैंने बताई थी। अब अगर आप लोगों को याद हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी याद है तो फिर तो बता रहा हूँ ना, समझो ना। देखो के प्लस क्या है? के प्लस जो है इंट्रा सेलुलर, यानी सेल के अंदर जो हमारा जो के प्लस है वो ज़्यादा होगा, ठीक है, सिंपल है। और सेल के बाहर क्या होगा? सेल के बाहर हमारा एन ए प्लस ज़्यादा होगा। अब देखो ये जो हमारे ये सारे पंप है ना, ये सारे हमारे जो है एन ए प्लस और के प्लस के ही पंप हैं। देखो इसको समझना, ये जो हमारा ब्लू वाला है तो इसको हम लोग बता देते हैं, ये हमारा हो गया के प्लस का पंप, ठीक है, ये हमारा किसका हो गया? पोटेशियम का पंप, ये भी हमारा पोटेशियम का पंप, ठीक है, ये भी हमारा। देखो भले वोल्टेज गेटेड है, भले बंद है, लेकिन है पोटेशियम का ही, सिंपल है। और ये जो हमारा एटीपीएज पंप है ना, ये भी हमारा सोडियम पोटेशियम का ही होता है, यानी इसका पूरा नाम होता है सोडियम पोटेशियम एटीपीएज पंप, एन ए प्लस के प्लस एटीपीएज पंप, यानी इसके थ्रू भी हमारा एन ए प्लस और के प्लस का ही ट्रांसफर होता है। अब देखो यहाँ पे ट्रांसफर होता कैसे है, ध्यान से समझना। देखो एक कंसेप्ट होता है हमारे यहाँ पे डिफ्यूजन का। डिफ्यूजन हमारा क्या कहता है? डिफ्यूजन हमारा कहता है कि जो किसी भी आयन का मूवमेंट है, यानी कि कौन सा आयन यहाँ पे अंदर आएगा और कौन सा आयन बाहर जाएगा, वो यहाँ पे इस बात पे डिपेंड करता है कि किसकी कंसेंट्रेशन किधर ज़्यादा है। यानी कि डिफ्यूजन यहाँ पे सिंपली कहता है कि मूवमेंट हमेशा जो है हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन होगा। अब देखो इस चीज़ को समझना, ठीक है, मूवमेंट हमारा क्या होगा? हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ होगा हमेशा मूवमेंट जो है। अब यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या देखा, के प्लस हमारा अंदर ज़्यादा है और एन ए प्लस हमारा क्या है? बाहर ज़्यादा है। तो के प्लस का मूवमेंट अगर हाई से लो करवाना चाहें तो के प्लस हाई कहाँ है? सेल के अंदर। और लो कहाँ है? सेल के बाहर। यानी के प्लस का मूवमेंट हमेशा कैसा होगा? सेल के अंदर से बाहर। तो देखो ये हमारे क्या है? ये हमारे लीकेज चैनल है, और लीकेज चैनल में हम लोगों ने क्या देखा? मूवमेंट हमेशा चलता रहता है। यानी लीकेज चैनल के थ्रू क्या होगा कि जो हमारा के प्लस है वो हमेशा यहाँ पे सेल के अंदर से सेल के बाहर जाता रहेगा, और जो हमारा एन ए प्लस है वो क्या होगा? वो हमारे सेल के बाहर से सेल के अंदर आता रहेगा। क्यों? क्योंकि सेल के बाहर हमारा एन ए प्लस ज़्यादा है और सेल के अंदर एन ए प्लस कम है। तो डिफ्यूजन हमारा ये कहता है कि नॉर्मली जो है हमारा के प्लस बाहर जाएगा और एन ए प्लस अंदर आएगा, क्योंकि एन ए प्लस अंदर कम है बाहर ज़्यादा, और के प्लस जो है बाहर कम है अंदर ज़्यादा। और डिफ्यूजन हमारा कहता है वो जो हमारा मूवमेंट है वो हमेशा हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ होगा। चलो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे ये सारी चीज़ें चल तो बहुत मस्त रहती, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी? देखो प्रॉब्लम ये होगी कि जो हमारा एन ए प्लस है वो कंटिन्यूसली हमारा बाहर से अंदर जाता जा रहा है ना, और जो हमारा के प्लस है वो हमारा अंदर से बाहर जाता जा रहा है, क्योंकि अंदर हमारा के प्लस ज़्यादा है और बाहर कम है। लेकिन ये बताओ कि जो हमारा डिफ्यूजन है, ठीक है, अगर ये कंटिन्यूसली चलता रहा, यानी कि के प्लस अगर लगातार बाहर जाता रहा और एन ए प्लस हमारा जो है कंटिन्यू अंदर आता रहा, तो एक स्टेज हमारी ऐसी आएगी, यानी कि एक हमारा ऐसा स्टेज आएगा जब क्या होगा कि ये दोनों हमारे बाहर अंदर बराबर हो जाएंगे, यानी कि दोनों की कंसेंट्रेशन हमारी बाहर भी बराबर हो जाएगी, अंदर भी बराबर हो जाएगी, क्योंकि देखो कंटिन्यू इनका ट्रांसफर चल रहा है ना। तो वो एक स्टेज हमारी क्या हो जाएगी? इक्विलिब्रियम की स्टेज हो जाएगी। यानी कि इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि जो हमारा एन ए प्लस है वो अंदर भी बराबर बाहर भी बराबर। अब ना तो अंदर मूवमेंट हो रहा है ना तो बाहर मूवमेंट हो रहा है, यानी कि हमारी स्टेज कौन सी आ चुकी है? इक्विलिब्रियम स्टेज आ चुकी है। तो अब आप बोलोगे बढ़िया तो है, इक्विलिब्रियम हो गया, यानी हमारे अंदर भी बराबर हो गए बाहर भी बराबर हो गए। लेकिन देखो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना। देखो आप लोगों को थोड़ा अजीब लग सकता है बट यही सच है। देखो अगर हमारी बॉडी के अंदर इक्विलिब्रियम आ गया, इसका मतलब है बॉडी की ग्रोथ यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है और बॉडी की यहाँ पे डेथ हो चुकी है। देखो यही सबसे बड़ा सच है कि जो हमारी बॉडी है ना
वो हमेशा यहाँ पे अनइक्विलिब्रियम स्टेट में रहती है। यानी हमारी बॉडी के अंदर आप लोग सिंपली कह सकते हो कि जितने भी फंक्शंस होते हैं वो एक अनइक्विलिब्रियम स्टेज को मेंटेन करने के लिए होते हैं। जिस दिन इक्विलिब्रियम आ गया उस दिन क्या है, उस दिन हमारी बॉडी की हर चीज़ें रुक जाएंगी और हमारी बॉडी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, यानी कि आप लोग सिंपली समझो कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी प्रोसेस चल रही हैं वो सारी की सारी जो है हमारी बॉडी के एक अनइक्विलिब्रियम स्टेज को मेंटेन करने के लिए चल रही हैं। तो देखो यहाँ पे हमारा लीकेज चैनल के थ्रू हमारा के प्लस तो बाहर जा ही रहा है, एन ए प्लस तो अंदर आ ही रहा है, और अगर ये चलता रहा तो एक टाइम पे तो ये इक्विलिब्रियम में आ ही जाना है, तो अब ये यहाँ पे रुकेगा कैसे? तो देखो इसको रोकने के लिए आता है हमारा यहाँ पे सोडियम पोटेशियम एटीपीएज पंप। अब ये क्या होता है, देखो ये क्या करता है, ये यहाँ पे जो है एटीपी को यूज करता है, यानी कि एक एनर्जी को यूज करता है, और एनर्जी को यूज करके करता क्या है देखो बहुत ध्यान से सुनना। ये यहाँ पे क्या करता है, दो पोटेशियम को जो है अंदर लेता है, देखो ध्यान से सुनना, दो पोटेशियम को अंदर लिया और तीन सोडियम को जो है बाहर भेजता है। तो देखो हमारे यहाँ पे लीकेज चैनल क्या कर रहा था, पोटेशियम को बाहर भेज रहा था और सोडियम को अंदर ले रहा था, लेकिन सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, सोडियम को जो है बाहर भेजने लगता है और पोटेशियम को अंदर लेने लगता है, यानी ये जो है इसके उल्टा चलता रहता है। और इसकी वजह से क्या होता है, कभी भी आयंस का जो है बैलेंस जो है बराबर नहीं होता है, यानी कि कभी भी सोडियम पोटेशियम जो है सेल के अंदर और बाहर बराबर नहीं होते हैं, हमारा पोटेशियम जो है सेल के अंदर ज़्यादा बना रहता है और जो हमारा सोडियम है उसकी कंसेंट्रेशन हमारे सेल के बाहर ज़्यादा बनी रहती है। और देखो ये वोल्टेज गेटेड चैनल क्या है, ये अभी भी बंद है, देखो ये नहीं खुलेंगे, ये खुलेंगे एक स्पेशल वोल्टेज पे। देखो यहाँ पे अभी तो वोल्टेज नॉर्मल ही है, देखो यही ओपन होंगे, अभी हम लोग जब आगे देखेंगे तो यहाँ पे इनका भी ओपन होगा, ठीक है, और इनके थ्रू भी आयन्स का एक्सचेंज होगा और तभी यहाँ पे जो है डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन होगा, लेकिन अभी नॉर्मल। देखो ये सारी चीज़ें अभी हम लोगों ने जितनी भी देखी ये हम लोग बात कर रहे हैं पोलराइजेशन यानी कि रेस्टिंग स्टेज की, यानी कि हम लोग बात कर रहे थे कि रेस्टिंग स्टेज में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो अब आप लोग ध्यान से देखना, एट रेस्टिंग स्टेज इनसाइड मेम्ब्रेन हमारा क्या होगा, निगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा और हाई के प्लस यानी कि पोटेशियम की कंसेंट्रेशन ज़्यादा होगी, कहाँ, इनसाइड मेम्ब्रेन यानी इंट्रा सेलुलर स्पेस में, और आउटसाइड मेम्ब्रेन में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा और हाई एन ए प्लस कंसेंट्रेशन। ठीक है, आप लोग समझ गए हो। अब उसके बाद यहाँ पे बात करें तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमारा कितना होता है, -70 mV। अब देखो इस फिगर में आप लोग जो है अच्छे से समझना, देखो यहाँ पे क्या होता है, हमारा लीकेज चैनल के थ्रू के प्लस बाहर जाता है और एन ए प्लस अंदर आता रहता है, लेकिन यहाँ पे चूंकि ये इक्विलिब्रियम को न अटेन कर लें उसके लिए हमारे यहाँ पे एटीपीएज पंप भी एक्टिव रहता है, जो क्या करता है, दो के प्लस को अंदर लेता है और तीन एन ए प्लस को बाहर भेजता रहता है, और इस तरीके से हमारा जो है एक नॉर्मल स्टेज मेंटेन रहता है जहाँ पे हमारा माइनस चार्ज अंदर जाता है और प्लस चार्ज जो है बाहर जाता है। ठीक है, अब बात करें हम लोग यहाँ पे अपने डीपोलराइजेशन की, तो देखो इसको बहुत ध्यान से देखना, अब यहीं से हमारा एक्शन पोटेंशियल जो है जनरेट होना चालू हो जाता है। देखो यहाँ पे होता क्या है, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में अच्छे से देख लिया था कि जो हमारा नर्व इम्पल्स है उसका जनरेशन हमारा स्टिमुलस के थ्रू ही होता है। तो स्टिमुलस अब यहाँ पे देखो करता क्या है, व्हेन स्टिमुलस कम्स इट डीएक्टिवेट्स सोडियम पोटेशियम पंप। यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना होगा क्या, देखो कोई भी हमारा स्टिमुलस है ना, जैसे हमारी बॉडी में अगर कोई भी चेंजेस हो रहे हैं तो जब वो होता है ना तो वो करता क्या है, सबसे पहले स्टिमुलस हमारे सोडियम पोटेशियम पंप को ही बंद कर देता है, यानी इसको क्या कर देता है, इसको डीएक्टिवेट कर देता है। अब देखो अगर स्टिमुलस ने इसको डीएक्टिवेट कर दिया तो होगा क्या, देखो यहाँ पे हमारा जो एन ए प्लस है वो हमारे इसके थ्रू अंदर आ रहा था और के प्लस यहाँ पे क्या हो रहा था, बाहर जाता जा रहा था, तो इसको रोकने का काम कौन कर रहा था, देखो अगर ये चलता रहा तो हमारा इक्विलिब्रियम को चला जाएगा, तो इस इक्विलिब्रियम को रोकने का काम हमारा सोडियम पोटेशियम पंप ही तो कर रहा था, लेकिन स्टिमुलस ने क्या किया, स्टिमुलस ने इसको यहाँ पे डीएक्टिवेट कर दिया। अब होगा क्या, अब एन ए प्लस जो है कंटिन्यूसली अंदर आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, और आते आते होगा क्या, देखो एक स्टेज के बाद क्या होगा, एन ए प्लस की कंसेंट्रेशन हमारे एन ए प्लस हमारा जो है सेल के इंट्रासेलुलर रीजन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और इसकी वजह से अल्टीमेटली देखो क्या होगा, देखो एन ए के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन हमारे सेल के अंदर यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होता है, निगेटिव चार्ज, लेकिन यहाँ पे जब एन ए प्लस बढ़ता ही जाएगा तो क्या होगा, सेल के अंदर हमारा पॉजिटिव चार्ज जनरेट होना चालू हो जाएगा, यानी सेल के अंदर अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएंगे पॉजिटिव चार्ज में। देखो बहुत ध्यान से समझना, ये जो एन ए प्लस है ना ये कंटिन्यूसली अंदर आता गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारे सेल के अंदर जो है एन ए प्लस का कंसेंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से अल्टीमेटली हमारे प्लस चार्ज यानी पॉजिटिव कंसेंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो जो हमारे सेल का अंदर वाला स्पेस है वो पूरा पॉजिटिव होता चला गया, और जैसे ही ये पॉजिटिव हुआ और जैसे ही हमारा ये नेगेटिव हुआ वैसे ही हमारा क्या होगा, एक वोल्टेज यहाँ पे डेवलप हो गया, और हम लोगों ने क्या देखा था, ये जो हमारे वोल्टेज गेटेड चैनल है ये एक स्पेशल वोल्टेज पे ओपन होते हैं, तो जैसे ही हमारा ये एन ए प्लस अंदर बढ़ता ही चला गया, तो जो हमारा यहाँ पे ध्यान से देखना, देखो हमारे यहाँ पे दो वोल्टेज गेटेड चैनल है, एक हमारा एन ए प्लस का है
ठीक है, और एक हमारा, देखो एक हमारा यहाँ पे के प्लस का है, तो बहुत ध्यान से समझना, जो हमारा एन ए प्लस वाला है ना वो यहाँ पे क्या होगा, वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, और जब वो यहाँ पे ओपन होगा अब क्या होगा, अब इसके थ्रू भी हमारा एन ए प्लस अंदर आता जा रहा है, तो देखो यहाँ पे इसके थ्रू तो एन ए प्लस आ ही रहा था, अब इसके थ्रू भी आने लगा, अब क्या होगा अल्टीमेटली यहाँ पे प्लस चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ पे के प्लस अभी भी बंद है, देखो ये अभी भी बंद है, देखो ये साइन होता है हमारा बंद होने का, और यहाँ पे एन ए प्लस क्या हुआ, ये खुल गया, ये एन ए प्लस का वोल्टेज गेटेड चैनल है और ये एन ए प्लस का लीकेज चैनल है, लीकेज हमेशा ओपन रहता है, वोल्टेज गेटेड एक स्पेशल वोल्टेज पे ओपन होता है, तो यहाँ पे वोल्टेज इसको मिल गया, ये भी ओपन हो गया, अब अल्टीमेटली एन ए प्लस बढ़ता ही जा रहा है, और अल्टीमेटली क्या हुआ, हमारा जो पोल है वो यहाँ पे देखो क्या हो गया, डीपोलराइज हो गया। देखो डीपोलराइज का मतलब क्या है, देखो नॉर्मल कंडीशन में क्या था, प्लस हमारा बाहर ज़्यादा था और माइनस हमारा अंदर ज़्यादा था, लेकिन अभी देखो क्या हुआ, अभी हमारा प्लस जो है अंदर ज़्यादा हो गया और माइनस जो है बाहर ज़्यादा हो गया, यानी पोल्स यहाँ पे क्या हुआ, देखो पोल्स यहाँ पे डी पोल हो गया, डी पोल यानी कि उल्टा हो गया इसका, तो इसी को हम लोग बोलते हैं डीपोलराइजेशन, यानी स्टिमुलस ने यहाँ पे क्या किया, हमारे सोडियम पोटेशियम पंप को बंद कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारा एन ए प्लस का वोल्टेज गेटेड चैनल भी खुल गया और हमारा पोल जो है डी पोल हो गया। नाउ एन ए प्लस आयंस कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग इनसाइड सेल मेम्ब्रेन विया लीकेज चैनल एंड अल्टीमेटली इनसाइड ऑफ मेम्ब्रेन बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड दिस स्टेज इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन। वोल्टेज गेट एन ए प्लस ऑल्सो ओपन्स, मेम्ब्रेन पोटेंशियल राइजेस टू प्लस 30। अब देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोगों ने अभी क्या देखा था कि जो हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, यानी कि जब यहाँ पे मेम्ब्रेन बिल्कुल रेस्ट पे होती है, कोई भी उसमें स्टिमुलस वगैरह नहीं होता है, तो कितना होता है, -70 मिली वोल्ट। लेकिन जैसे ही यहाँ पे स्टिमुलस आता है और इस पंप को डीएक्टिवेट करता है, तो जब हमारे यहाँ पे बढ़ना चालू होता है, तो प्लस हमारा इतना बढ़ जाता है कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमारे यहाँ पे +30 मिली वोल्ट पे चला जाता है। ठीक है, तो देखो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे पोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन की। और अभी स्टार्टिंग में हम लोगों ने क्या देखा था, जो हमारा एक्शन पोटेंशियल है वो हमारा आयंस के डिसबैलेंस की वजह से जनरेट होता है। देखो आयंस का डिसबैलेंस हो गया ना, देखो पहले क्या था, पहले माइनस अंदर ज़्यादा था और प्लस बाहर ज़्यादा था, और अभी देखो क्या हो गया, प्लस अंदर ज़्यादा हो गया माइनस बाहर ज़्यादा हो गया, तो आयंस यहाँ पे क्या हो गया, डिसबैलेंस हो गए, यानी कि इसकी वजह से क्या हुआ, एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन हो गया। क्या हुआ, एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन हो गया, और इस एक्शन पोटेंशियल की वजह से क्या हुआ, हमारे नर्व इम्पल्स का जनरेशन हो गया। ठीक है, नर्व इम्पल्स का जनरेशन हो गया। तो हम लोगों ने कल वीडियो में क्या बात करी थी कि जो हमारा स्टिमुलस है यही हमारा यहाँ पे क्या होता है, नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट होता है। तो अब आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे कि कैसे यहाँ पे क्या करता है स्टिमुलस। ठीक है, स्टिमुलस कैसे यहाँ पे जो है अल्टीमेटली जो है सबसे पहले एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है, और इस एक्शन पोटेंशियल की वजह से हमारे नर्व इम्पल्स का जनरेशन होता है, यानी आप कह सकते हो कि स्टिमुलस अल्टीमेटली हमारा नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखो अभी यहाँ पे चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं, अब जो हमारा यहाँ पे पोल डीपोलराइज हुआ था वो रीपोलराइज होगा, यानी वापस से हमारे माइनस की कंसंट्रेशन अंदर और प्लस की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं अपने रीपोलराइजेशन को। तो बात करें हम लोग यहाँ पे अपने रीपोलराइजेशन की, तो देखो सबसे पहले आप लोग ये समझो कि जो हमारा डीपोलराइजेशन होता है, यानी कि जो हमारा माइनस प्लस का कंसंट्रेशन का जो चेंज होता है, ये हमारा जो है न्यूरॉन के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में धीरे धीरे होता है। यानी कि सबसे पहले देखो ये क्या होता है, सबसे पहले मेम्ब्रेन के एक पार्ट में होता है और उसके बाद यहाँ पे ट्रांसफर होता रहता है, और देखो इसी ट्रांसफर को ही तो हम लोग कहते हैं कि नर्व इम्पल्स का, यहाँ पे देखो जो हमारा नर्व इम्पल्स का जो है हमारा ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, नर्व इम्पल्स का आप कह सकते हो कि कंडक्टेंस या फिर कह सकते हो ट्रांसफर होता है, वो इसी तरीके से होता है। देखो ये हमारा क्या है, ये जो माइनस प्लस का जो डिफरेंस आ रहा है, इसकी वजह से हमारा क्या हो रहा है, नर्व इम्पल्स का ही तो जनरेशन हो रहा है। यानी कि देखो यहाँ पे सिंपली आप कह सकते हो कि नर्व इम्पल्स का ही जो है ट्रांसफर हो रहा है, तो ये नर्व इम्पल्स का ट्रांसफर जो है हमारा धीरे धीरे मेम्ब्रेन के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में होता रहता है। अब देखो जैसे इसको समझो, जैसे यहाँ पे जो हमारा पोटेंशियल चेंज हुआ था, यानी प्लस बाहर हो गया और माइनस अंदर ज़्यादा हो, सॉरी प्लस हमारा अंदर ज़्यादा हो गया और माइनस बाहर ज़्यादा हो गया, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ये हमारा कोई मेम्ब्रेन है, ठीक है, न्यूरॉन का मेम्ब्रेन है, तो सबसे पहले ये हमारा एक पार्ट में हुआ, ठीक है, मेम्ब्रेन के एक पार्ट में हुआ। अब एक पार्ट में होने के बाद क्या हुआ, देखो यहाँ पे जो हमारा प्लस और माइनस है, अब देखो मेम्ब्रेन के एक पार्ट में अभी भी माइनस जो है अंदर ज़्यादा है, और एक तरफ क्या हो गया, एक तरफ प्लस ज़्यादा हो गया। अब इस प्लस माइनस की वजह से क्या होगा, हमारा एक करंट फ्लो करेगा, ठीक है, और करंट हमारा कैसे फ्लो होता है, पॉजिटिव से निगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा करंट फ्लो करेगा और इसकी वजह से क्या होगा, ये जो हमारा डीपोलराइजेशन था, यानी कि जो हमारे पोल जो है डीपोलराइज हो गए थे, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा अब न्यूरॉन के सॉरी मेम्ब्रेन के एक पार्ट से मेम्ब्रेन के दूसरे पार्ट में जाएगा, यानी अब यहाँ पे भी वही सारी चीज़ें होंगी, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, जैसे ही हमारा यहाँ पे एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाएगा,
तो ये जो मेम्ब्रेन है ना, ये हमारे दोबारा से रीपोलराइज हो जाएंगी। रीपोलराइज का मतलब क्या होगा, दोबारा से ये जो है अपने नॉर्मल कंडीशन में आना चालू हो जाएंगी। तो ये नॉर्मल कंडीशन में कैसे आएंगी, देखो जैसे ही हमारे यहाँ पे डीपोलराइजेशन जो है मेम्ब्रेन के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाएगा, ठीक है, कह सकते हो ये पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट। तो जैसे ही यहाँ पे ये दूसरे पार्ट में पहुँचा, वैसे यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा सोडियम का पंप था ना, यही तो हमारा एक्टिवेट हुआ था, तो ये हमारा फिर से क्लोज हो जाएगा, यानी ये क्या होगा, ये दोबारा से बंद हो जाएगा। और अब ध्यान से सुनना, अब हमारा यहाँ पे पोटेशियम का पंप चालू हो जाएगा, और पोटेशियम का पंप हमारे यहाँ पे हमेशा जो है ऊपर की तरफ चालू होता है, यानी कि पोटेशियम हमारे सेल के अंदर से सेल के बाहर जाना चालू हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो जो हमारा सेल अंदर था, यहाँ पे क्या हुआ था, प्लस सी चार्ज तो हमारा बढ़ गया था, तो जब हमारा के प्लस क्या होगा, अब के प्लस जो है बाहर जाना चालू हो जाएगा बहुत ज़्यादा अमाउंट में, ठीक है, क्योंकि हमारा जो वोल्टेज गेटेड चैनल था पोटेशियम का, ये ओपन हो चुका है, तो के प्लस हमारे बाहर जाना चालू हो जाएंगे। अब उसकी वजह से क्या होगा, अल्टीमेटली धीरे धीरे करके मेम्ब्रेन हमारी दोबारा से जो है नॉर्मल कंडीशन में आने लगेगी, यानी यहाँ पे फिर से जो है क्या होगा, माइनस चार्ज डेवलप होना चालू हो जाएगा, ठीक है, माइनस चार्ज। और क्या होगा, हमारा जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो बढ़ के प्लस 30 हो गया था, ये दोबारा से कितने पे आ जाएगा, माइनस 70 पे। और जैसे ही ये माइनस 70 पे दोबारा से आएगा, वैसे ही जो हमारा एटीपेज पंप है, ये भी फिर से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और हमारा यहाँ पे देखो तो आप सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पे अगर आप एक चीज़ नोटिस करो, तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने क्या देखा था, देखो सारी चीज़ें तो नॉर्मल हो गई, यानी कि हमारा माइनस फिर से जो है अंदर आ गया, ठीक है, माइनस 70 वोल्ट भी हो गया, प्लस हमारा ज़्यादा हो गया बाहर, यानी कि हमारा कह सकते हो कि एक जो नॉर्मल कंडीशन थी वो हमारी दोबारा से, यानी रेस्टिंग स्टेज कह सकते हो कि दोबारा से वापस तो आ गई। लेकिन यहाँ पे देखो एक चीज़ अगर आप ध्यान दो, तो अभी भी हमारा जो हमारा पोटेशियम का वोल्टेज गेटेड चैनल है वो ओपन है, जबकि रेस्टिंग स्टेज पे क्या होता है, देखो हमारा रेस्टिंग स्टेज पे ये भी बंद होता है, ये भी बंद होता है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पोटेशियम चैनल है ना, जो वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल होता है, इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी यही होती है कि ना तो ये जल्दी ओपन होता है। देखो स्टार्टिंग में हमारा Na+ ओपन हुआ था, लेकिन ये ओपन नहीं हुआ था, ये बहुत मुश्किल से ओपन होता है और बहुत मुश्किल से ही यहाँ पे बंद होता है। यानी यहाँ पे देखो होगा क्या, ध्यान से समझना, नाउ K+ आयंस कंटिन्यूअसली पासिंग आउट फ्रॉम द सेल एंड अल्टीमेटली द इनसाइड ऑफ मेम्ब्रेन अगेंस्ट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड एंड दिस स्टेज इज कॉल्ड रीपोलराइजेशन, एटीपीएज पंप अगेन एक्टिवेट्स। यानी यहाँ पे देखो होगा क्या, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जो हमारा यहाँ पे चार्ज का डिसबैलेंस हुआ था वो तो यहाँ पे नॉर्मल हो गया, ठीक है, लेकिन अभी भी यहाँ पे हमारा पोटेशियम का पंप ओपन है जिसको हम लोगों को क्लोज करना जरूरी है। लेकिन देखो होगा क्या, अब ये जो हमारा पंप है ना, ये अभी भी ओपन है, तो इसकी वजह से क्या होगा, देखो इसकी वजह से ये होगा, थोड़ा सा ध्यान से देखना, देखो बस ये लास्ट है, इसके बाद ख़त्म, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेशियम का पंप अभी भी ओपन है, यानी के प्लस बाहर जाता ही जा रहा है, बाहर जाता ही जा रहा है, तो अब उसकी वजह से क्या होगा, देखो अंदर का नॉर्मल पोटेशियम हमारा कितना होता है, माइनस 70 मिली वोल्ट है ना, यानी अंदर हमारा इतना जो है एक नॉर्मल पोटेंशियल होना चाहिए, लेकिन के प्लस हमारा जो है अंदर से बाहर जाता ही जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये माइनस 70 और घट के आ जाएगा माइनस 90 मिली वोल्ट पे, ठीक है, यानी हमारा जो प्लस चार्ज है वो और ज़्यादा अंदर से बाहर निकलता चला जाएगा, जिसकी वजह से माइनस चार्ज और बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो हमारा पोटेंशियल है ये और घट के माइनस 90 मिली वोल्ट पे चला आएगा। और जो हमारे यहाँ पे मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, जब वो माइनस 90 मिली वोल्ट पे चला आता है, तो हम लोग उस स्टेज को बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन, यानी कि ये बहुत ज़्यादा पोलराइज हो गया, ठीक है, हाइपर, ठीक है। अब हाइपर पोलराइजेशन के बाद क्या होगा, देखो जैसे ये माइनस 90 पे आएगा, तो अब हमारा जो के प्लस है ये दोबारा से बंद हो जाएगा, ठीक है, ये दोबारा से बंद हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे करके हमारी रेस्टिंग स्टेज दोबारा से वापस आ जाएगी, यानी बिल्कुल दोबारा से सारी चीज़ें पहले जैसी हो जाएंगी। तो हाइपर पोलराइजेशन में क्या होगा, ऑल दो मेम्ब्रेन अगेंस्ट बिकम रीपोलराइज्ड बट स्टिल के प्लस चैनल्स रिमेन्स ओपन, नॉट ड्यू टू दिस के प्लस आयंस कंटिन्यूस पासिंग आउटसाइड ऑफ मेम्ब्रेन, यानी कि के प्लस हमारा मेम्ब्रेन से आउटसाइड जाता रहेगा, एंड मेम्ब्रेन पोटेंशियल बिकम्स माइनस 90 मिली वोल्ट विच कॉज हाइपर पोलराइजेशन। अब उसके बाद क्या होगा, वेन पोटेंशियल रीचेस माइनस 90 मिली वोल्ट के प्लस चैनल्स ऑल्सो गेट्स क्लोजेज एंड फाइनली मेम्ब्रेन रीच टू रेस्टिंग स्टेज, यानी कि जो हमारी मेम्ब्रेन है वो दोबारा से क्या होगा, दोबारा से जो हमारी मेम्ब्रेन वो यहाँ पर रेस्टिंग स्टेज पर चली आएगी, ठीक है, यानी कि देखो ये जो हमारा प्लस हुआ था ये दोबारा से माइनस हो जाएगा। और इस तरीके से देखो क्या होता है कि जो हमारे नर्व इम्पल्स हैं, देखो आप लोग इतना समझो, अभी हम लोग जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं वो कुछ नहीं है, वो नर्व इम्पल्स की है, ठीक है, यानी कि ये जो हमारा पोलराइजेशन है, डीपोलराइजेशन है, रीपोलराइजेशन है, इसी की वजह से क्या हुआ, इसी की वजह से हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। एक्शन पोटेंशियल मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ है ना, और उसकी वजह से क्या हुआ, हमारा नर्व इम्पल्स जनरेट हुआ। तो यहाँ पे देखो ये हमारा आगे बढ़ता रहता है, और इसी तरीके से नर्व इम्पल्स भी जो है आगे बढ़ती रहती हैं।
तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो था, बट आई होप कि मैं आप लोग को समझा पाया हूँ। बाकी आप लोग यहाँ पे कमेंट करके बताना कि अभी आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर माई बाई चांस जो है नहीं आया तो इतना ज़्यादा परेशान मत हो, ठीक है। देखो ये कोई इतना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। बाकी देखो एक छोटा सा टॉपिक और भी है तो उसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोग जो भी हमारे एक्शन पोटेंशियल के इवेंट्स थे उनका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि हमें पता है कि -70 मिलीवोल्ट पे क्या होता है, मेम्ब्रेन हमारी रेस्टिंग स्टेज पे रहती है, कोई भी चेंज नहीं आता है। अब उसके बाद हमारा क्या होता है, स्टीमुलस आता है जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा डीपोलराइजेशन होता है। अच्छा यहाँ पे देखो -55 मिलीवोल्ट क्या है, देखो -70 से जो +35 जाता है तो उसके बीच में -55 हमारा क्या होता है, एक थ्रेशोल्ड होता है। थ्रेशोल्ड क्या होता है, देखो थ्रेशोल्ड हमारा एक मिनिमम पोटेंशियल होता है जहाँ पे हमारा एक्शन पोटेंशियल जो है जनरेट होना चालू हो जाता है। यानी कि जब हमारा मेम्ब्रेन का पोटेंशियल -70 से -55 आता है, ठीक है, तो यहाँ से हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होना चालू हो जाता है और +35 पे पूरी तरीके से जनरेट हो जाता है। तो वही चीज़ है, बाकी कुछ खास है नहीं। और यहाँ पे देखो ये हमारा डीपोलराइजेशन होता है। अब उसके बाद क्या होता है, रीपोलराइजेशन होता है। और रीपोलराइजेशन होते होते हमारा यहाँ पे एक स्टेज आती है जब -70 से भी नीचे चला जाता है, हमारा कितना -90 पर चला जाता है, वो हमारा क्या होता है, हाइपर पोलराइजेशन। और हाइपर पोलराइजेशन के बाद क्या होता है, दोबारा से हमारी मेम्ब्रेन जो है रेस्टिंग स्टेज पर आ जाती है। तो वही चीज़ हमारे यहाँ पर ग्राफ में दिखाई गई है, आई होप कि आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। तो फाइनली अब जल्दी से हम लोग अपने एक छोटे से टॉपिक को और डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूरॉन्स या फिर नर्व फाइबर्स। देखो एक चीज़ में कंफ्यूज मत होना, मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में भी बताया था कि आप लोग के जो बुक है, ठीक है, आप लोग का जो सिलेबस है उसमें ये टॉपिक हमारा न्यूरॉन्स या फिर नर्व फाइबर्स, मतलब बेसिकली हमारी जो भी प्रॉपर्टीज हैं, टाइप्स है, वो हमारा नर्व फाइबर्स के नाम से दे रखा है। तो कन्फ्यूज मत हो, नर्व फाइबर भी हमारा न्यूरॉन्स ही है। बेसिकली नर्व फाइबर हमारा क्या होता है, न्यूरॉन्स का जो एक्जॉन वाला पार्ट होता है उसी को हम लोग नर्व फाइबर बोलते हैं। तो वही चीज़ है, बाकी ज़्यादा कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। तो जो हमारे न्यूरॉन्स या फिर नर्व फाइबर्स हैं तो उनके अंदर हमें यहाँ पे कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, जैसे कि हमारा कंडक्टिविटी, एक्साइटेबिलिटी। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डेफिनेशन या फिर थ्योरी के फॉर्म में देखते हैं, ठीक है। तो एक्साइटेबिलिटी की बात करें तो देखो ये क्या होता है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ न्यूरॉन्स या फिर नर्व फाइबर्स टू रिस्पॉन्ड टू वेरियस स्टिमुलाई एंड कन्वर्ट दैम इंटू नर्व इम्पल्स। तो देखो यार कुछ है नहीं, हम लोग ऑलरेडी ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। देखो जो हमारा न्यूरॉन है वो क्या करता है, जो भी हमारा स्टिमुलस आता है उनके प्रति रिस्पॉन्स करता है और उनको यहाँ पे क्या करता है, नर्व इम्पल्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे उसी प्रॉपर्टी का नाम दे दिया गया है एक्साइटेबिलिटी बस। अब कंडक्टिविटी क्या होता है, देखो इट इज़ द एबिलिटी ऑफ नर्व फाइबर टू कंडक्ट नर्व इम्पल्स, ठीक है, अलॉन्ग इट्स लेंथ फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। तो वही चीज़ तो है, हमें तो पता ही है ना कि हमारा जो न्यूरॉन है वो क्या करता है, यहाँ पे नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करता है, ट्रांसफर करता है। तो वही सारी चीज़ें हैं। अब उसके बाद देखो यहाँ पे जो थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक हो गया हमारा यहाँ पे रिफ्रैक्टिव पीरियड। यहाँ पे ये क्या होता है, वेन द नर्व फाइबर इज वंस एक्साइटेड इट विल नॉट रिस्पॉन्ड टू एनी अदर स्टिमुलस फॉर अ सेलेक्टिव टाइम पीरियड एंड दिस टाइम पीरियड इज नोन एज रिफ्रैक्टिव पीरियड। यहाँ पे देखो क्या बताया जा रहा है कि जैसे जो हमारा कोई भी न्यूरॉन है, जब इसने एक बार यहाँ पे क्या किया, एक बार किसी स्टिमुलस को रिसीव कर लिया, तो जब तक यहाँ पे ये इस स्टिमुलस को यहाँ पे नर्व इम्पल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करके पूरा यहाँ पे भेज नहीं देता, तब तक यहाँ पे ये कोई दूसरा स्टिमुलस को रिसीव नहीं करेगा। और वो टाइम पीरियड हमारा क्या कहलाता है, वो टाइम पीरियड हमारा कहलाता है रिफ्रैक्टिव पीरियड, ठीक है। तो वही चीज़ है, बाकी कुछ है नहीं। और बात करें हम लोग यहाँ पे अनफटिगेबिलिटी के बारे में, तो देखो सबसे पहले समझो फटीग क्या होता है। देखो फटीग का मतलब होता है थोड़ा सा आप कह सकते हो कि थक जाना, ठीक है। तो जो हमारा न्यूरॉन है ना, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ नर्व फाइबर्स टू नॉट गेट फटीग्ड इवन इफ दे रिसीव कंटिन्यूअस स्टिमुली। यानी कि अगर जो हमारा न्यूरॉन है, अगर उसको कंटिन्यूअस हम लोग जो है स्टिमुलस देते रहे, तब भी हमारा न्यूरॉन कभी थकता नहीं है, यानी कि उसके अंदर जो है फटीगनेस नहीं देखने को मिलती है। जबकि अगर हम लोग अपने बाकी ऑर्गन्स या फिर पार्ट्स की बात करें तो उनके अंदर हमें यहाँ पे फटीगनेस देखने को मिलती है। तो न्यूरॉन के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। अब यहाँ पे फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करें तो ऑल और नन ला। अब देखो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ नर्व फाइबर्स। नर्व फाइबर्स गेट्स एक्साइटेड ओनली एट अ पार्टिकुलर थ्रेशोल्ड स्ट्रेंथ, आइदर दे विल गिव मैक्सिमम रिस्पॉन्स और दे गिव नो रिस्पॉन्स। यहाँ पे देखो क्या बताया जा रहा है कि जैसे कोई स्टिमुलस है तो जब वो हमारे यहाँ पे न्यूरॉन्स के पास आता है तो या तो न्यूरॉन्स जो है उसका मैक्सिमम रिस्पॉन्स देंगे या तो उसका रिस्पॉन्स ही नहीं देंगे। और रिस्पॉन्स देने के लिए देखो उसको यहाँ पे एक पार्टिकुलर थ्रेशोल्ड स्ट्रेंथ पे जो है पहुँचना चाहिए। तो देखो अभी हम लोगों ने जो हमारा एक्शन पोटेंशियल देखा, ठीक है, तो जब हम लोग ग्राफ देख रहे थे तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा थ्रेशोल्ड था वहाँ पे कितना था, -55।
यानी कि देखो आप लोग बिल्कुल सिंपली कह सकते हो कि अगर हमारा जो स्टिमुलस है उसने एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर दिया तो हमारा जो न्यूरॉन है वो मैक्सिमम रिस्पांस देगा, और अगर एक्शन पोटेंशियल जनरेट ही नहीं हुआ तो हमारा न्यूरॉन जो है कोई भी रिस्पांस नहीं देगा, यानी या तो ऑल या तो पूरा या तो नहीं, ठीक है, बस वही चीज़ है। और फाइनली बात करें हम लोग यहाँ पे एकोमोडेशन के बारे में, तो देखो इसको बहुत ही ध्यान से देखना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और डेली लाइफ में आप लोग इसको फील भी करते हो। यहाँ पे देखो क्या है, इफ़ द कॉन्टिन्यूअस स्टिमुलाई इज अप्लाई टू द नर्व फाइबर देन इट विल डिक्रीज द एक्साइटेबिलिटी ऑफ नर्व फाइबर्स। देखो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जैसे हमारा कोई भी न्यूरॉन्स है अगर हम लोग उसको लगातार जो है स्टिमुलस देते रहते हैं तो वहाँ पे जो न्यूरॉन्स की एक्साइटेबिलिटी है वो यहाँ पे डिक्रीज हो जाती है, यानी घट जाती है। देखो यहाँ पे इस चीज़ को आप लोग डेली अपनी लाइफ में फील भी करते हो, जैसे आप लोग जब कोई भी परफ्यूम वगैरह लगाते हो तो परफ्यूम लगाने के थोड़ी देर बाद क्या होता है कि आपको जो है उसकी स्मेल आना बंद हो जाती है। देखो वहाँ पे जो स्मेल आना बंद हो जाती है तो आप लोगों को भले लगता होगा कि परफ्यूम जो है हमारा स्मेल करना ही बंद कर दिया है, बट ऐसा नहीं होता है। देखो अगर आप उसी स्मेल को जो है उसी परफ्यूम को किसी दूसरे से पूछोगे, ठीक है, जैसे आप लोगों ने परफ्यूम लगाया और थोड़ी देर बाद आपको उसकी स्मेल आना बंद हो गई, लेकिन जैसे ही आप किसी दूसरे के पास जाते हो तो उसको तुरंत स्मेल आ जाती है। देखो यहाँ पे होता क्या है, जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे सेंस न्यूरॉन्स होते हैं जो कि उस स्मेल को सेंस करते हैं, वो क्या होता है कि उनको कंटिन्यू यहाँ पे स्मेल मिलती रहती है, जिसकी वजह से उनकी स्मेल करने की जो कह सकते हो कि स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। लेकिन जो कोई दूसरा बंदा होता है तो उसके जो रिसेप्टर्स होते हैं या फिर उसके जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको तुरंत ही मिलता है तो वो तुरंत यहाँ पे क्या करते हैं, स्मेल कर लेते हैं। तो देखो जब उनको लगातार मिलती रहती है तो वो क्या करते हैं, डिक्रीज कर जाते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे इस तरीके से होती है। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे आज का लेक्चर। देखो थोड़ा सा तो यहाँ पे कन्फ्यूजिंग था, बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। और मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।